हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सारे मुख की ओर दानव दल, नाग वासुकी रस्सी बन गए, बना मथानी मंदराचल। कच्छप बनकर श्री नारायण पीठ पे करते पर्वत धारण, समुद्र का मंथन होता अनमोल रत्न निकलता। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन। सबसे पहले विष निकला था, पी गए उसको शिव जी। कामधेनु उच्च श्रव घोड़ा, निकला रावत हाथी। कल्प वृक्ष और पारिजात, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी। सुरा भी निकली और निकले धन्वंतरी लेके अमृत। चौदह रत्नों में जब अमृत कलश निकलता है, अमृत पीने हेतु सभी में द्वंद्व होता है। देव और दानव में छीना झपटी मची हुई थी, श्री हरि नारायण की मोहनी लीला तभी हुई थी। अपनी अपनी पंक्ति में बैठे, मोहिनी की चालाकी से देव ही अमृत पीते। भेष बदल कर राहु दैत्य देवों की पंक्ति में बैठा, दानव सारे मदिरा पीते पर वह अमृत पीता। ऋषिगणों, आदि काल में जब ब्रह्मांड का निर्माण तक नहीं हुआ था, परमेश्वर एक दिव्य प्रकाश के रूप में सर्वव्याप्त थे। हर ओर ओंकार का नाम था। इसी दिव्य प्रकाश से आदि नारायण प्रकट हुए। और जब उनके मन में सृष्टि की रचना की इच्छा हुई, तो सबसे पहले उन्होंने अपने वाम भाग से आदिशक्ति को प्रकट किया। प्रभु, क्या आज्ञा है? देवी भगवती महालक्ष्मी, सृष्टि की रचना और संचालन का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। आप अपने अंदर से अन्य शक्तियों को प्रकट कीजिए और सृष्टि की रचना, पालन और संहार का उत्तरदायित्व संभालिए। प्रभु, इसके लिए सबसे पहले आपको मेरी सहायता करनी होगी। कहिए देवी, क्या चाहते हैं आप? मेरी प्रार्थना ये है प्रभु,
कि आप अपने महा अस्तित्व के अंश से तीन दिव्य विभूतियां प्रकट करें, एक ब्रह्मा के रूप में, दूसरा अंश भगवान विष्णु के रूप में और तीसरा अंश भगवान सदाशिव के रूप में। तथास्तु। शक्ति। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। मेरी उत्पत्ति किस कारणवश की गई है? हे ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना के लिए आपका प्रादुर्भाव किया गया है। सृष्टि रचना का ये महत्वपूर्ण दायित्व आपको ही संभालना है। जो आज्ञा आदि शक्ति महालक्ष्मी। सृष्टि की रचना का दायित्व निभाने में मेरी शक्ति रूपा सरस्वती आपके साथ सहयोग करेंगी। प्रणाम देवी। प्रणाम आदि शक्ति माता। प्रणाम ब्रह्मदेव। देव भगवान श्री नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम आदिशक्ति महामाया। प्रणाम भगवान। मेरा स्मरण किस लिए किया गया है? हे भगवान विष्णु, प्रभु आदि नारायण ने आपकी उत्पत्ति सृष्टि के संरक्षण तथा पालन के लिए की है। कार्यभार आप संभालेंगे। आपका निवास शीर सागर में शेषनाग की शैया पर होगा। जब जब सृष्टि में धर्म का लोप तथा अधर्म का साम्राज्य होगा, तब तब भीषण भीषण अवतार धारण करके धर्म का संरक्षण और अधर्मियों का विनाश करेंगे। जैसी आदिदेव की इच्छा। प्रणाम है आदि देव। प्रणाम आदि शक्ति। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम भोलेनाथ। हे महादेवी, मुझे क्यों स्मरण किया गया है? हे भगवान सदाशिव, ब्रह्मदेव प्रभु की इच्छा से इस नश्वर संसार की रचना करेंगे। जिस प्रकार इस संसार की उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार उसका विनाश भी आवश्यक होगा। इसलिए
आपका दायित्व संहार होगा। जैसी प्रभु की इच्छा। आपके इस दायित्व में मेरी शक्ति रूपा देवी पार्वती हाथ बटाएंगी और आप ही के साथ कैलाश पर्वत पर शिवलोक में रहेंगी। शक्ति। प्रणाम। प्रणाम भोलेनाथ। और हमारा विष्णु रूप क्या अकेला ही रहेगा देवी? प्रभु, इसके लिए आपके विष्णु रूप को कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी देवी? ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं और असुरों की सृष्टि होगी, तब देवता स्वर्ग के स्वामी होंगे और असुर लोक पाताल लोक पर राज करेंगे। परंतु दोनों में कभी मित्रता नहीं रहेगी। एक दूसरे का अधिकार छीनने के लिए आपस में सदा लड़ते रहेंगे। इस बार बार के देवासुर संग्राम के कारण सृष्टि के कल्याण में विघ्न पड़ जाएगा। तब मेरी प्रेरणा से देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, तो उस समय मैं सागर कन्या लक्ष्मी के रूप में अवतार लूंगी और आपके विष्णु रूप की सेवा करूंगी। तब ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति की सहायता से सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया। धरती आकाश मानव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधे इत्यादि की रचना की। धरती का उद्धार करने के लिए प्रभु ने वराह रूप धारण किया था। देवता आतुर और निर्बल हो गए। तब उन्होंने भगवान के सामने पुकार की। तब भगवान वराह का रूप धारण करके परमपिता ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए। Thank you.
चाक्षुष मनवंतर के अंत में धरती पर जब प्रलय आई, सूर्य देवाय नमः, तो उस समय पृथ्वी पर एक बड़ा धर्मात्मा राजा सत्यव्रत ओम सूर्य देवाय नमः। राजा 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 ये आवाज किसकी है? राजा मुझे जल में वापस मत फेंक, मैं एक छोटी सी मछली हूँ। नदी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए जब मैंने आप जैसे वीर पुरुष के हाथों में अपने को सौंप दिया तो मुझे विश्वास था कि अब राजा के हाथों मेरी रक्षा होगी। यदि राजा भी मुझे त्याग देंगे तो फिर निर्बल प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? तुम चिंता ना करो मत्स्य, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम हमारे राजमहल में रहोगी। वहां मेरे लिए स्थान होगा? स्थान? राजा सत्यव्रत के राजमहल में तुम जैसे क्षुद्र जीव के लिए स्थान की बात करती हो? वहां तो एक नगर समा सकता है। शायद तुमने कभी राजमहल देखा ही नहीं। चलो आज हमारे राजमहल को भी देख लो। चलो। इसके आहार का पूरा प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अब तुम यहां आनंद से रह सकती हो। राजा राजा मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो राजा। तुम तो बर्तन जितनी बड़ी हो गई हो। राजा मुझे कोई बड़ा स्थल दो ना। अच्छी बात है, प्रहरी इन्हें किसी बड़े बर्तन में रख दो। जो आज्ञा महाराज। अब तुम यहां परमानंद से रहो। राजा राजा राजन, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। इस छोटे से पात्र में मैं कैसे रह सकती हूँ? ये कैसी माया है, तुम तो हर बार पहले से बड़ी हो जाती हो। हे राजन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे राजमहल में पर्याप्त स्थान देना आपका धर्म है। अवश्य, हम अवश्य अपने धर्म का पालन करेंगे। प्रहरी इन्हें किसी और बड़े बर्तन में रख दो। जो आज्ञा महाराज। देखो राजन, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आप कोई अलौकिक जीव हैं, इतनी शीघ्रता से बढ़ते ही चली जा रही हैं। राजन ये तो मेरा स्वभाव है, बढ़ने पर आती हूँ तो रुकती ही नहीं। परंतु आप क्यों चिंता करते हैं, आपका राजमहल तो बहुत बड़ा है ना।
बड़ा था, परंतु आपने उसे छोटा कर दिया है। मैं समझ गया कि मैंने आपको क्षुद्र जीव कहा था, सो आपने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला रची है। अवश्य आप कोई दिव्य आत्मा है। हे मत्सराज, आपने हमें जो शिक्षा दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब मुझे अपने इस राजमहल का कोई दम नहीं रहा। चलिए मैं आपको एक विशाल नदी में पहुंचा आता हूं। अच्छी बात है राजन, वही मेरे लिए उचित होगा। महात्मा, आप कोई साधारण जलचर तो हो नहीं सकते। सच सच बताइए कि आप कौन हैं और ये मत्स्य का रूप धारण करके अपनी माया से हमें क्यों भरमा रहे हैं? एक ही दिन में जिसके आकार में इतना विस्तार हो जाए, ऐसा जलचर तो मैंने कभी ना देखा न सुना। अवश्य आप सर्वशक्तिमान श्री हरि हैं। मैं मन, वचन तथा कर्म से आपकी शरण में आकर आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, मुझे अपने अलौकिक रूप के साक्षात दर्शन देने की कृपा कर। चतुर्भुज मत्स्य रूप में प्रगटे श्री नारायण, निराकार के आज हुए साकार रूप में दर्शन, सफल हो गए नैन दरस कर धन्य हो गया जीवन। हे सच्चिदानंद अच्युत अविनाशी भगवान, पृथ्वी पर आपके अवतार किसी न किसी विशेष अभिप्राय हेतु होते हैं। आप अनुग्रह करके अपने इस दास को यह समझाने की कृपा करें कि यह अद्भुत मत्स्य रूप धारण करने का क्या हेतु है। प्रभु, सत्यव्रत, आज से सातवें दिन भूलोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा औषधियों के बीजों और भी छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। जब प्रचंड आंधी के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे।
फिर जब ब्रह्मा जी का नया दिन उदय होगा और प्रलय समाप्त होगी तो तुम वैवस्वत मनु के रूप में एक मनवंतर तक सृष्टि का संचालन करोगे। सप्तऋषियों, वेद वेदांग के अतिरिक्त मेरे साथ मानव सभ्यता के बीज हैं। इस समय संपूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त हो गई है। कभी उचित अवसर और अनुकूल परिस्थिति आने पर इन सृष्टि बीजों द्वारा हम पुनः जीवन और संस्कृति का प्रसार कर सकेंगे। आपका कहना सत्य है महाराज। अब आप सभी लोग निश्चिंत होकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण कीजिए, वह शीघ्र ही हमारी सहायता करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। संस्कृति लिए पधारे। भगवती महालक्ष्मी माता ने देवासुर संग्राम की जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई। देवता और असुरों में बार बार भीषण युद्ध होने लगे। देवासुर संग्राम
और सृष्टि के विनाश के कारण भगवती महालक्ष्मी माता चिंतित हो गई। क्या बात है देवी, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कितना भीषण देवासुर संग्राम हो रहा है। मैं इन देवताओं और दानवों दोनों की आत्मा हूँ। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि ये विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ें। हाँ देवी, जब संतान ही आपस में लड़ बैठते हैं तो माता चैन से कैसे बैठ सकती है। एक ऐसा उपाय सोच रही हूँ जिससे न केवल देवताओं और दानवों का भला हो बल्कि सारे संसार का कल्याण भी होगा। ऐसा क्या उपाय है आपके मन में देवी। समुद्र मंथन। हाँ देवी, समुद्र में जो दिव्य संपदाएं निहित हैं, उन्हें निकालने के लिए देवताओं और दानवों का मिलाप आवश्यक है। श्री आदि शक्ति महामाया को देव गुरु बृहस्पति का प्रणाम। कल्याण मस्तु। हे आदि शक्ति भगवती, आपने मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित किया है, आज्ञा कीजिए क्या सेवा करूं। हे वत्स, यदि आप देवताओं का उचित मार्गदर्शन करें तो यही मेरी बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही जगत कल्याण है और ये उद्देश्य उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक देवासुर संग्राम बंद नहीं होता और दोनों में संधि नहीं हो जाती। देवताओं और असुरों में संधि? हे आदि शक्ति महामाया, प्रकाश और अंधकार में संधि की संभावना कैसे हो सकती है। देवगुरु, आप तो ज्ञानी हैं, इसलिए आपका ये मानकर कि असुर नहीं मानेंगे प्रयास ही ना करना क्या उचित है। जैसी आपकी आज्ञा देवी। हे आदि शक्ति महालक्ष्मी माता, मैं तत्काल इस संबंध में देवताओं से बात करूंगा। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? दानवों से, हमारे शत्रुओं से संधि? कदापि नहीं। घमंडी दानवों से हाथ मिलाना असंभव है, असंभव। दानवों से सहयोग नहीं, युद्ध ही हो सकता है, युद्ध। हे देवेंद्र, जगत कल्याण हेतु जिसमें देवताओं का कल्याण भी सम्मिलित है, हमें असुरों से संधि करनी ही चाहिए। हे देवेंद्र, दानवों से संधि करनी ही होगी। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप और मैं मिलकर इसी समय दानवराज बलि के पास चलते हैं। संधि कर ले, असुर देवताओं से संधि कर ले। अपने दुर्बल शत्रुओं को, जो असुरों के विरुद्ध युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा दे। नहीं गुरु बृहस्पति, यदि मैंने ये मूर्खता दिखाई तो असुर प्रजा मुझे अपना महाराज मानने से इनकार कर देगी। नहीं देव गुरु, देवताओं से संधि असंभव है। देवताओं और दानवों के मेल जोल को नए और शुभ पर्व का आरंभ होने से पहले ही अंत होने की संभावना दिखाई देने लगी थी, तब देव गुरु बृहस्पति के कहने पर यह तय हुआ कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी से परामर्श किया जाए। ये देखकर आदि शक्ति महालक्ष्मी ने देवी सरस्वती को आज्ञा दी। हे विद्या देवी सरस्वती, सृष्टि कल्याण के लिए देवासुर सहयोग परम आवश्यक है, इसलिए आप असुर गुरु शुक्राचार्य के हृदय में वास कीजिए, जिससे शुक्राचार्य असुरों को उनके हित और जगत कल्याण का मार्ग दिखाए। ओम
आइए। आइए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु बृहस्पति। प्रणाम भार्गव। आइए विराजी। आइए आइए विराजी। ये आप क्या कर रहे हैं भार्गव? विराजी, आपके प्रति मेरे मन में जो आदर है बस वही व्यक्त कर रहा हूँ। देवेंद्र आप भी विराजिए। महाराज बलि आप भी बैठ जाइए। आज स्वर्ग पाताल पर उतर आया है। आपके आगमन से असुर लोक धन्य हो गया है गुरु श्रेष्ठ। असुर लोक तो उसी क्षण धन्य हो गया था भार्गव, जिस क्षण आपने असुरों का गुरुपद स्वीकार किया था। आपके ज्ञान और आप ही की सूझबूझ में असुरों का कल्याण निहित है। भार्गव, देवासुर संग्राम के बीच एक आप ही मेरी आशा का केंद्र मात्र रहे हैं। आज्ञा कीजिए गुरु बृहस्पति, आपकी किस इच्छा किस आशा की पूर्ति कर सकता हूँ। सारे असुर भी आपकी इच्छा का आदर करेंगे। क्यों महाराज बलि? क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन हम असुरों का धर्म है, परंतु बात को पूरी तरह समझे बिना मुझे प्रतीत हो रहा है किसी दिव्य शक्ति की कृपा से मेरे मन से शंकाओं आशंकाओं का नाश हो गया है। यही बात मेरे समझ में आ गई है कि सद्भावना ही सद्भावना को जन्म देती है। इसका प्रमाण सामने है। गुरु बृहस्पति और देवेंद्र कोई सद्भावना लेकर ही पधारे हैं। गुरु श्रेष्ठ आप धन्य हैं। आपको अवश्य ही दिव्य ज्ञान हुआ है कि हम सद्भावना के अंतर्गत आपके पास आए हैं। हाँ भार्गव, जगत कल्याण के लिए हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, जिसके लिए असुरों और देवताओं का सहयोग आवश्यक है। इसी कारणवश हम देवासुर संधि का संदेश लेकर आए हैं। धन्य है आप देव गुरु, धन्य है आप। कैसा उचित कैसा जगत कल्याणकारी प्रस्ताव लेकर आए हैं, समुद्र मंथन। जगत कल्याण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि महाराज बलि चाहें तो हमें इसी क्षण संधि करने में कोई आपत्ति नहीं है। हे असुरराज, संधि के शुभ कार्य के लिए आपको मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी आज्ञा बिना ही देवेंद्र से संधि कर लेनी चाहिए। जब देवता और असुर दोनों इस बात को मान गए कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, तब बलि के दरबार में इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया कि समुद्र मंथन से जो रत्न और दूसरी संपदा निकलेगी उसका बंटवारा कैसे होगा। गुरुदेव शुक्राचार्य की प्रेरणा से हमने समुद्र मंथन के लिए हाँ अवश्य की है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि हम देवताओं की हर उचित अनुचित बात पर दास दासियों की भांति सिर हिलाएंगे। और देवेंद्र आप इस भ्रम में भी मत रहिए कि समुद्र मंथन के समय आप हमसे छल कपट कर पाएंगे। समुद्र मंथन सहयोग का कार्य है, मिलजुल कर करना पड़ता है, इसमें छल कपट का क्या काम। छल कपट से केवल युद्ध ही किए जाते हैं जिसका हम दोनों त्याग कर चुके हैं। देव गुरु, हम युद्ध का त्याग अवश्य कर चुके हैं, परंतु हम असुर ने अपने हित का त्याग नहीं किया है। महाराज बलि, असुरों के हित की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व मेरे सिर है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। देवताओं का कोई भरोसा नहीं है गुरुदेव। समुद्र मंथन से निकलने वाली दिव्य संपदा को देखकर इनका मन ललचा गया तो
इसलिए इसी समय यह तय कर लीजिए कि संपदा का बंटवारा कैसे होगा। महाराज बलि, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे उन्हें एक एक करके आपस में बांट लिया जाएगा। आधी संपदा हमारी और आधी देवताओं की। यह ठीक है, इस प्रकार हर रत्न पर झगड़ने की कोई संभावना नहीं होगी। परंतु समुद्र मंथन में सबसे पहले जो कुछ भी निकलेगा उस पर अधिकार हमारा होगा। पहले आप ही का अधिकार क्यों, हमारा क्यों नहीं? हमारा अधिकार अधिक है क्योंकि हम देवताओं से अधिक बलवान हैं और हमने देवताओं को पराजित किया है। विजेता का अधिकार अधिक ही होना चाहिए। ये तो छल है, अन्याय है। हे देवेंद्र, हम यह सहयोग करने के लिए आए हैं, झगड़ने के लिए नहीं। फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किस लिए? यह तो असुरों और देवताओं के भाग्य की बात है कि किसको क्या मिलेगा। समुद्र मंथन द्वारा जो कुछ भी पहले निकलेगा वो असुरों को ही दिया जाएगा। कदाचित पहला रत्न उन्हें के भाग्य में हो। समुद्र मंथन